I'm just sitting here. तो अब मैं थोड़ा दिन मतलब एक आध दिन बाद ये क्लीन करूंगी किचन विचन और उसके बाद इनको धो धा के सुखा के अच्छे से मैं अपना जो सामान है जो अभी तक प्लास्टिक के डब्बों में है उसको इसमें फिल कर देंगे बस। We can sit together. It's so beautiful. You and me. We meant to be. बार फिर आपके अपने चैनल ज्योतिष क्रिएशन में। तो आप भी शाम हो रही है, हमने चाय तो पी ली है बट आज कुछ चटपटा सा कुछ खाने का मन करा था मेरा और आज वैसे भी मकर संक्रांति है इसकी वजह से भी हमने कुछ बनाया भी नहीं। सो मेथी के पराठे बनाए थे, उसके बाद लंच दिन में बना नहीं क्योंकि लेट ही खाया था हम लोगों ने। तो कुछ चटपटा सा स्नैक टाइप का कुछ खाने का मन है और कुछ हेल्दी सा भी, तो मैं सोच रही हूँ कि कचौड़ियाँ बनाते हैं तो खाना फिर देख लूँगी बाद में। तो अभी ऑफिस से आए नहीं है और फिर आएंगे, तब तक मैं सोच रही हूँ कुछ प्रिपरेशन मैंने थोड़ी बहुत कर ली है और थोड़ी बहुत करती हूँ, पर पहले बहुत सारे बर्तन हैं पर उनको निपटा दूँ फिर हम तैयारी करेंगे कि क्या बनाने वाले हैं। तो किस टाइप से हमारी यम टेस्टी कचौड़ी बन के रेडी होगी। तो चलो यहाँ पर मैंने आलू बॉईल करने रख दिए थे, काफी देर हो गई है और इन आलूओं को हम पहले छील लेंगे फिर अच्छे से ग्रेट कर लेंगे या मैश भी कर सकते हैं जो भी मतलब इजी रहे, अगर गर्मा गर्म है तो वो मैश ही हो जाएंगे। थाली ले लेती हूँ और गरम दो चार और आलू रखे हुए हैं, सुबह मैंने कहा आलू का पराठा बना दूंगी ना तो जल्दी जल्दी बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ प्रिपरेशन करके रखी है जो जो चीजें मुझे चाहिए। वैसे तीन आलू लिए मैंने बड़े साइज के और इन्हें मैश कर लेंगे अच्छे से ऐसे, अभी गर्म है ना तो अच्छे से मैश हो जाएंगे। फटाफट से हो गए देखो गर्मा गर्म। बस अच्छे से हो गए। अब हम इसमें डालेंगे दो बड़े मैंने प्याज कट करे हैं, देखो प्याज प्याज साथ ही इसमें मैंने खूब सारा अदरक ग्रेट कर रखा है और मिर्च ये भी इसमें डाल देना है। अदरक का फ्लेवर ना बहुत अच्छा आता है इन सब चीजों में, मतलब किसी भी पकौड़े वकौड़े टाइप की चीज में ना अदरक का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब हमने इसमें डालना है एक छोटी चम्मच अजवाइन,
अजवाइन तो जरूर ऐसे ऐसे मसल करके। साबुत धनिया, इसको भी खूब रगड़ रगड़ के, जो टूट जाए तो अच्छा ही है। ये भी गया। और थोड़ा सा जीरा, ये जो खड़े मसाले डाले ना, इनसे इसका फ्लेवर बहुत जोरदार आने वाला है। अब हम इसमें डालेंगे टेस्ट के हिसाब से लाल मिर्च, जितना भी आप खाते हो, बच्चों के लिए बना रहे तो कम, मैंने कम ही डाली है। नमक, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, और गरम मसाला। एक मिनट, हाँ जी, ये गरम मसाला, गरम मसाला। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखो कितनी सारी चीजें हो गई ना। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए ना, उसके बाद हमने इसमें डालना है मक्के का आटा। तो एक मिनट, मक्के का आटा मैं लाई थी, वो कौथिक गई थी ना, वहां से लाई थी, तो हमने इसमें मक्के का आटा डालना है। मक्के का आटा आप कितना डालोगे उसका अंदाजा कैसे लगाएं? तो मक्के का आटा हमें उतना डालना है कि ये जो जो ये मिक्सचर है ना, अच्छे से बंधने लग जाए, मतलब इनकी लोइयां बन जाए। चलिए हाथ से कर लेते हैं। मतलब इतना डालना है हमें कि ये अच्छे से बाइंड हो जाए और ये लोइयां जैसे रोटी के लिए हम बनाते हैं ना, वैसे बनने लग जाए। इसे अभी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। कौन आया? कौन है? हाँ बहुत ठंडा तो हुई है। और जैसा होता है आजकल। अरे कहाँ, बहुत ठंड लगती है इसमें। तो यहाँ पर इस टाइप से हमने ये डो मतलब बना लिया है। थोड़ा सा ऑयल लगा के आप इसे ग्रीस कर सकते हो, ऐसे ऊपर से हल्का सा ऑयल। अगर इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद हम इससे कचौड़ियाँ बनाएंगे। पर यार तुम आज ही क्यों आए, कल क्यों नहीं आए थे? तो क्या क्या बन, अभी कुछ बना रही? तुम तो लड्डू बनाने को गई थी। लड्डू तो रात को बनाएंगे, पर अभी मैं कुछ बना रही थी आपके लिए। तो समोसे आ रखे हैं और बताओ मैं कचौड़ियाँ बना रही थी। तो आज ही चटपटा खाने का मन था मेरा, मेरा मन कर रहा था चटपटा चटपटा कुछ खाने का। चाय देती हूँ पहले, है ना? ये चटनी वटनी मत खाना, मैं तो मना कर रहा था लेकिन उसने डाल दी। नहीं बेटा, मीठे सॉस ले लो, इससे बढ़िया ले लो बेटा फ्रिज से। ये तो क्या था ना, समोसा तो एटलीस्ट गर्म में तल के बाहर निकला हुआ है। तेल ले लिया हाथ में, अब एक लोई तोड़ेंगे ऐसे 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 ऐसे। और हल्के से प्रेस करेंगे, कोई चकला बेलन की जरूरत नहीं, ऐसे। अब पता है, आप खा के बताओगे कि कैसा बना है, ठीक है? जी मैडम सर। ये देखो इस टाइप से बनानी, जैसे कटलेट होता है ना, इस टाइप से। ये किसमें डालनी है? ये चाय में डालनी है। तेल तो रखा नहीं। तो बता रही हूँ ना अभी, तो तेल रख रही हूँ। किसमें डालनी है? बोल दी थी पति कुछ भी लेके मत आना। तो मुझे क्या पता, तुम और दिन कब लाते हो भाई? तो इंसान को ऐसे लगे कि लाओगे। ठंडा है तो ये क्या, रोज ही ठंडा है मौसम। हाँ लेकिन कल से छुट्टी है। तो ये क्या बात हुई, वाह। मैं ऐसे बोल देती कि खा कुछ लाना मत। वैसे लाते कब हो भाई, जब आपसे मंगाते ही तभी नहीं लाते हो।
फ्लिपकार्ट से कुछ मंगाया है क्या? हाँ ये आया है ना, अभी खोला नहीं है, खोलूंगी। स्मॉल अप्लायंस पास फॉर 12 मंथ है। तो पहले हम थोड़ा सा एक टुकड़ा डाल के देखेंगे कि हमारा तेल रेडी है। तो तेल इज रेडी मीडियम फ्लेम पर, देखिए इस टाइप से। अरे मैंने सोच रहा है कि आज हमने मकर संक्रांति के दिन कुछ नहीं बनाया, नहीं तो खिचड़ी बनती है ना, तो दिन में लंच ही नहीं बना, तो मैंने कुछ बनाते हैं शाम को भाई। इसलिए अपन ने सोचा कि ये टाइम बनाते हैं, क्योंकि हमने बहुत टाइम से पकौड़े पकौड़े तो टाइप के कुछ चीज़ खाई नहीं है ना, बहुत टाइम था, इसलिए अपन ने सोचा अब हम पलट लेंगे। इस टाइप से अभी और हम बना लेंगे। समोसे भी आ रखे हैं। ये एक टेस्ट करके देखना कैसा बना हुआ है। देखना जरा खुशबू तो मजेदार आ रही है। लो मैंने इसको ट्राई किया, एक ट्राई करके देखना। मैंने खाया ना। ये भी गरम किए क्या? नहीं वो नहीं किए गरम। बहुत ज्यादा गरम है ना। वहीं पे रख दो। हाँ बस हो गया, समझ गया। पकोई है, पकोई बर्गर में भी डाल सकते हैं। मम्मा आपका फोन आ रहा है। फोन आ रहा है आपका। हेलो मम्मा, बैठ लिया करके बैठ लिया। बैठ लिया छोटा सा बनवाया तो जस्ट अभी हमने चाय वाई और ये इस टाइप की कचौड़ियाँ खा ली और अच्छी हो रही थी, बहुत अच्छी हो रही थी। एक आध चीज़ें ध्यान रखने वाली होती है कि आपको पतली बनानी है और थोड़ा तेज गरम तेल होना चाहिए जिसमें से फ्राई करना है। अगर आप स्लो में इसे फ्राई करेंगे ना तो ये फटने के चांसेस रहते हैं। तो बस यही था और हम लोगों ने खा लिया और अब ढेर सारे बर्तन और के धोती हूँ। ये देखो सर्दियों में ना कुछ भी हो ये बर्तन धोना ना सबसे ज़्यादा रोने वाला काम लगता है, करना तो है ही।
बर्तन अच्छे से भूल गए हैं। और हाँ, अभी एक मैंने एक ऑर्डर किया था, आजकल तो वैसे भी थोड़ा लेट ही आ रही है सारी चीज़ें, तो ये अब आया है। चलो दिखाती हूँ कि क्या मैंने ऑर्डर किया था। ये रहा वो, तो ये फ्लिपकार्ट से आए हैं। ये देखिए कितनी सेफ्टी के साथ ये ग्लास बॉटल को रखा जाता है, बताइए कितनी सेफ्टी है ना। मैंने जितने बार भी फ्लिपकार्ट से ग्लास बॉटल्स मंगाई है, देखो अच्छी खासी कैपेसिटी है यार इसकी। ये तो मेरा जो पहले वाला था ना उससे भी वो बड़ा है। ओ माय गॉड, मुझे लगा सेम ही साइज़ के होंगे तो मतलब बहुत ज़्यादा सामान नहीं आ पाता, बट यार ये तो बहुत अच्छा है। आई लाइक इट। ये देखो कितना बड़ा है ये। एक मिनट मैं दिखाती हूँ, पहले वाला जो मेरा था उसकी कैपेसिटी दिखाती हूँ। एक मिनट, ये देखो ये रहा वो पहले वाला, और अब वाला ये देखो। आप खुद ही इमेजिन, मैं कैसे दिखाऊंगा, ये देखो खुद ही इमेजिन कर सकते कि कौन सा बड़ा है। ये वाला बड़ा है, तो इसके लिए तो थम्स अप है। अगर सारी कोई भी टूटा फूटा नहीं है, वैसे तो फ्लिपकार्ट में मैंने जब भी लिया है बॉटल्स या कोई ऐसी चीज़ जो टूटने वाली हो वो बहुत सेफ्टी के साथ लेके आते हैं। और ये देखिए इस टाइप की पैकिंग होती है, आप देख सकते हो। वेट अ मिनट, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। तो ये देखिए इस टाइप से पैकिंग रहती है ताकि ये आपस में भी ना टकराए, ऐसे ऐसे हिलते हैं ना कहीं रास्ते में, भाई अब कोई कैसे लेके आ रहा है। तो ये देखिए इस तरह से मूव करेंगे तो चारों तरफ से इतनी प्रोटेक्शन लेयर रहती है, और बहुत ही मतलब अफोर्डेबल है, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। और मुझे, और ये इसकी कैपेसिटी देख के तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यार इतना बड़ा, वाह अमेजिंग यार, कितना अच्छा है। इसमें मैं अचार बना के रखूँगी, लड्डू बना के रखूँगी, तो वो चीज़ें अच्छी लगती है ना ऐसे ग्लास के जार में, को पता है कि इसमें क्या है और दिखने में भी सुंदर लगता है। और ऑब्वियसली ग्लास तो हेल्थ के लिए वैसे भी बढ़िया होता है, तो प्लास्टिक की बजाय आप लोग भी ग्लास में धीरे धीरे टर्न किए। फ्लिपकार्ट में सामान थोड़ा लेट आता है, बट क्वालिटी ना अक्सर मतलब काफ़ी चीज़ों की काफ़ी बढ़िया रहती है। ये तो मैं डेफिनेटली आप सबको रिकमेंड करूँगी। ये देखो अभी तक तो कोई टूटा हुआ नहीं निकला, लिड भी एयर टाइट है, बिल्कुल टाइट। तो बस फ्रेंड्स, तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, और इन लोगों को मैंने खाना खिला दिया है सबको, मैंने तो नहीं खाया क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, क्योंकि अभी अभी तो थोड़ी देर पहले हमने पकौड़े मतलब कचौड़ियाँ खाई थी और समोसा था, ये लेके आए थे वो खाए थे। वैसे मैं बाहर से खाना अवॉइड करती हूँ, बट ये ले आए थे, पता नहीं कैसे, वैसे लाते नहीं है पर पता नहीं आज क्या मूड आया ले आए। तो बस यही था, और बस ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो चलिए फ्रेंड्स मिलती हूँ और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और खुद को जितना हो सके बिजी रखिए। तो चलिए फ्रेंड, बाय बाय बाय।